प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें महादेवी मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज नई आबादी अजीता का नगला आगरा। संपर्क करें 9927087687। मिल्टन स्कूल आगरा का एक ऐसा स्कूल जो देता है आपके बच्चों को संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी आगे आने का प्रोत्साहन। बच्चों को उचित शिक्षा, ट्रेन व शिक्षित अध्यापिकाओं के द्वारा खेलकूद के लिए पर्याप्त साधन, बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु गार्ड एवं बच्चों को लाने ले जाने हेतु वैन व बस सुविधा, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, तो बच्चों के संपूर्ण विकास हेतु मिलें फोन नंबर 9897417212। सप्तऋषि अपार्टमेंट रेजिडेंट की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सप्तऋषि अपार्टमेंट रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का वार्षिक चुनाव का आयोजन किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष पद हेतु सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सप्तऋषि अपार्टमेंट के 110 मतदाताओं ने मतदान किया। अध्यक्ष पद को छोड़कर सभी पदों को निर्विरोध चुन लिया गया। आयकर विभाग से सेवानिवृत्त दिनेश चंद्र मिश्र और डॉक्टर राहुल राज के बीच अध्यक्ष पद का चुनाव किया गया। निर्विरोध चुने गए सचिव अजय शर्मा ने बताया कि अपार्टमेंट के सुधार और समस्याओं के लिए चुनाव किया गया है। आज हमारे सप्तऋषि अपार्टमेंट रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का वार्षिक चुनाव था 2020-21 के लिए, और ये इसका प्रथम इलेक्ट चुनाव था। अभी तक समिति इलेक्टेड थी, उसके बाद अभी जो वोटिंग जो हो रही है वो पहली बार हुई है समिति के अंदर। पद के लिए चुनाव हुआ है? चुनाव अभी अध्यक्ष पद के लिए हुआ है, बाकी सारी पोस्टों में निर्विरोध इलेक्शन हो चुका है। तो दो कैंडिडेट हमारे थे अध्यक्ष पद के लिए, एक श्री डीसी मिश्रा जी और श्री राहुल राज, डॉक्टर राहुल राज, दोनों ही थे। तो सुबह 10 बजे से वोटिंग हमारी शुरू हुई, अभी 3 बजे वोटिंग क्लोज हुई है और आधा घंटे के लंच ब्रेक के बाद काउंटिंग होगी। निर्विरोध पद पर एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो चुके हैं, सचिव हो चुके हैं, कोषाध्यक्ष हो चुके हैं और बाकी सदस्य 7 सदस्य हो चुके हैं। कार्यकारिणी का उद्देश्य हमारी समिति को अपने पूरी रेजिडेंस जो है इसको पूरी अच्छे से मेंटेन रखना, साफ सफाई की व्यवस्था रखना। अभी गंगा जल आगरा में आ चुका है, मेन टारगेट हमारा उस पर है कि हमारे यहाँ सभी लोगों को गंगा जल उपलब्ध हो, तो उस पर हमारा मेन रहेगा। और रंग रोगन और जो भी असुविधा लोगों को है सब प्रयास किया जाएगा जी। सप्तऋषि अपार्टमेंट रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी चुनाव की मतगणना में अध्यक्ष पद के दावेदार डॉक्टर राहुल राज ने 72 वोट पाकर 34 वोटों से जीत हासिल कर ली। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राहुल राज का फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया और नवागत सप्तऋषि अपार्टमेंट रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल राज ने अपार्टमेंट की तमाम समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। सप्तऋषि अपार्टमेंट जो एक अपने आप में एक अलग अपनी प्रतिष्ठा रखता है पूरे आगरा के अंदर अपार्टमेंट, और सप्तऋषि नाम में ही अपने आप में एक इतनी अच्छी गुणवत्ता है, उसी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक कमेटी का आयोजन, चुनाव कमेटी का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु 2 लोग खड़े हुए, जिसमें एक हम थे, एक मिश्रा जी, और बहुत ही अच्छा चुनाव रहा। सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, एक अच्छा माहौल बना, ढोल नगाड़ों से वोटरों को जगाया गया, उनको बताया गया वोट डालना है उन्हें, तो एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ बना और एक अच्छे भाईचारे के साथ चुनाव संपन्न हुआ। और चुनाव कमेटी ने पूर्ण जो नियम कानून के हिसाब से चुनाव कराया, उनके जो बायलॉज थे उसका पूर्ण रूप से हम जो उम्मीदवार थे उन लोगों ने फॉलो किया, और भविष्य में भी इस तरह से ये गति बनी रहे और इसी तरह चुनाव कर कार्यकारिणी बने, जिससे कार्यकारिणी नए विकास कार्य कराए। यहाँ पर गंगा जल लाने का मुख्य मुद्दा है हमारा, और यहाँ की मेंटेनेंस को लेकर लिफ्ट की दिक्कत रहती है हमेशा, अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, तो उनको रोकथाम करके अच्छे लिफ्ट सेंटर से कॉन्टैक्ट करके उसको डेवलप कराना, यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क और सभागार का डेवलपमेंट कराना, ये मुख्य मुद्दों में है हमारे। आज लगभग यहाँ पर टोटल एक फ्लैट से एक व्यक्ति को एक फ्लैट में वोट देना था, 224 फ्लैट हैं, 110 लोगों ने वोटिंग करी, और ये बहुत बड़ा एक वोट का रेशियो अब तक के इतिहास में सप्तऋषि वोटिंग आई हुई। और जो डेवलपमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, चुनाव आयोग का पूरा सहयोग रहा, कक्कड़ जी चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे यहाँ पर, तो इन्होंने बहुत अच्छी सहानुभूति सब कुछ सामंजस्य बिठा के चुनाव कराया। पहली बार हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहा और चुने गए पदाधिकारियों ने एक दूसरे को बधाई दी। 7 इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।